मैनकाइंड फार्मा 763 करोड़ की ब्लॉक डील आज हो सकती है और यहाँ पर करीबन 1% हिस्सा बिकेगा 2061 रुपए के दाम पर, ज्यादा नहीं सिर्फ 2% डिस्काउंट पर। रखिएगा नजर डिलीवरी पर, आज 885 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है। यहाँ पर कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड 2.34 करोड़ हिस्सा बेच सकते हैं। इंफोसिस ने 5 साल के लिए किया है एक करार, यूरोप की सिक्योरिटी प्रोवाइडर कंपनी है सेक्टर अलार्म के साथ में। फोकस करिएगा RVNL पर, यहाँ पर इन्हें दक्षिण पूर्व रेलवे से 203 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट के लिए ये L1 बिडर घोषित हुए। GMDC के लिए अच्छी खबर, GERC ने पावर परचेज एग्रीमेंट में अमेंडमेंट्स को दे दी है मंजूरी और इस मंजूरी से अब कई सारे संशोधन लागू होंगे। KIMS कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड पर रखिएगा नजर, 200 बेड के साथ विशाखापट्टनम में खरीदने वाले हैं ये अस्पताल। HG इंफ्रा अल्ट्रा वाइब्रेंट सोलर के साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए किया है करार, 465 करोड़ रुपए की वैल्यू का है ये प्रोजेक्ट। डेल्टा कॉर्प खराब नंबर्स यहाँ पर Q1 के पेश किए हैं, वाईवाई आधार पर रेवेन्यू एबिटा मार्जिन प्रॉफिट सब में भारी भरकम गिरावट हुई है दर्ज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर एक बड़ा अपग्रेड आया है जेफरीज की तरफ से, पहला टारगेट था 5,390 का, अब बढ़ा कर सीधा 6,700 का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड पर रखिएगा नजर, 9 जुलाई से QIP हुआ है बंद, 732.08 रुपए प्रति शेयर के इशू प्राइस पर 2.25 करोड़ शेयर आवंटन को मिली है मंजूरी।